Hello students, so the next topic of our presentation is input devices. We have to complete input devices with the left. Okay. So let's start with it. We had done that computer system is divided into two parts, hardware, software. Then you have in hardware input devices, output devices, memory and CPU, right? And then we were in discussing input devices. Input devices, we have keyboard, pointing devices. Now next is your scanners. Okay. So these were the pointing devices we discussed in the last presentation. Next is your scanners. Scanners काफी तरह के होते हैं, right? Starting from OCR, MICR, OMR, barcode reader, digital scanners. ये सारे different types of scanners हैं, ठीक है? You can write them separately also, but they are basically various types of scanners. So, सबसे पहले आता है optical character reader. Optical character reader या OCR, इसमें क्या होता है कि आपके हर अल्फाबेट की कंप्यूटर की मेमोरी में इमेज स्टोर होती है. तो आप जो भी प्रोसेस करने को, जो भी चीज़ इसको स्कैन करने को देते हो, वो उसको करेक्टर बाय करेक्टर उठाता है और हर करेक्टर की इमेज को, जो उसकी मेमोरी में इमेजेस पड़ी हैं, उससे कंपेयर करता है. तो जो भी करेक्टर होगा उसकी इमेज उससे मैच कर जाएगी, उससे उसको पता चल जाएगा कंप्यूटर को कि कौन सा वाला करेक्टर है. इसी तरह वो सारे के सारे आपने जो भी लिखा हुआ होता है, जो भी आपका टेक्स्ट होता है, वो सारा टेक्स्ट ये रीड करने के काम आता है, ठीक है? दिस इज ऑप्टिकल करेक्टर रीडर. उसके बाद आ जाता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर. मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर में क्या होता है कि इसमें, जैसे मैंने क्लास में बताया था, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है आपके चेकबुक के नीचे, जो चेक के नीचे वाली लास्ट लाइन होती है, उसमें जो ब्लैक कलर के चेक नंबर वगैरह लिखा होता है, दैट इज़ योर मैग्नेटिक इंक, ठीक है? नॉर्मली ये MICR बैंक में ही यूज़ होता है. तो इसमें क्या होता है कि आप मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर के अंदर मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ पेज डालते हो, वो मैग्नेटिक इंक के करेक्टर्स की फॉर्मेशन से उसको पता चल जाता है कि आपने क्या नंबर या क्या अल्फ़ाबेट लिखा होगा, और उसके बाद वो उस अल्फ़ाबेट को या नंबर को उठा के जो भी प्रोसेसिंग करना होता है, जो भी डिजायर्ड रिजल्ट होता है, वो आपको प्रोवाइड कर देता है. नेक्स्ट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर. ये तो हम सब ने यूज़ किया होगा, ठीक है? जो रेड कलर की शीट मिलती है, OMR शीट जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए यूज़ होती है, ठीक है? इसलिए एंट्रेंस टेस्ट वगैरह में जब भी MCQs होते हैं, वहाँ पे OMR शीट ही यूज़ होती है, ठीक है? तो उसको, उस पर क्या होता है, बस उसकी एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि उसको फोल्ड नहीं करना, बिकॉज जो है OMR शीट मिलती है, हम उसको OMR स्कैनर के अंदर डालते हैं. जब स्कैनर के अंदर डालते हैं तो उसके जितने भी सर्कल्स बने होते हैं, सर्कल्स में से वो लाइट पास करके देखता है. जिस सर्कल को आपने पेंसिल या पेन से हाईलाइट किया होगा, उससे लाइट पास नहीं होगी, बाकियों से लाइट पास हो जाती है. जब लाइट पास नहीं होती तो उसको पता चल जाता है कि आपने कौन सी वाली ऑप्शन मार्क की है. तो उसके बाद जो उसके कंप्यूटर में जो रिजल्ट्स होते हैं, वो ऑलरेडी फीड हुए होते हैं, वो आपकी ऑप्शन और अपने रिजल्ट को कंपेयर करके आपका रिजल्ट जनरेट कर देता है, राइट? दैट इज़ योर ऑप्टिकल मार्क रीडर. नेक्स्ट इज़ योर बार कोड रीडर. बार कोड रीडर हमने देखा ही है, जब भी आप मॉल्स वगैरह में शॉपिंग करने जाते हो, तो आपकी कॉपी या जो भी परचेज करते हो, उसके ऊपर कुछ लाइंस बनी होती हैं, लाइंस वाला कोड बना होता है, ठीक है? दैट इज़ योर बार कोड. एंड उसके बार कोड रीडर, जब उस बार कोड के ऊपर स्कैन करने के लिए लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जो उस बार कोड में स्टोर होती है, नॉर्मली उसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, प्रोडक्ट किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया, अगर बुक वगैरह है तो उसका राइटर कौन है, और कितने नंबर ऑफ़ पेजेस हैं, हार्ड बाउंड है, सॉफ्ट बाउंड है, मतलब वो सारी चीज़ें इसमें, मतलब पूरी की पूरी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बार कोड के अंदर स्टोर की होती है, जिसको बार कोड रीडर पढ़ लेता है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है डिजिटल स्कैनर. जो नॉर्मल स्कैनर हम मार्केट में देखते हैं, जिससे हम जो पूरी की पूरी इमेज को स्कैन करते हैं, फोटोस्टेट मशीन जैसे होते हैं दिखने में, दोज आर नोन एज डिजिटल स्कैनर्स. ये भी दो टाइप के होते हैं, फ्लैट बेड एंड हैंड हेल्ड, राइट? बिफोर मूविंग फर्दर, मैं चाहूँगा कि मैं आपको आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन दे दूँ, ठीक है? सो व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू राइट डाउन द डिफरेंस, फाइंड आउट व्हाट इज अ जेड माउस, ओके, एंड वेयर इज इट यूज्ड फर्स्ट. आपका क्वेश्चन ये है,
और सेकंड आपका है सॉफ्टवेयर, जो हमें नेक्स्ट टॉपिक अभी करना है इसके बाद, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि ये मैंने क्लास में किया हुआ है, सो आई वांट यू टू डू इट इन योर नोटबुक्स एज वेल, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं और उनके एक एक दो दो एग्जाम्पल विद डेफिनेशन विद, आई होप क्लियर है, ठीक है? तो पहले आपने लिखना है एक क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ एन ओ एम आर, व्हाट इज़ जेड माउस, और सेकंड आपने लिखना है कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं विद एग्जांपल, ठीक है? एंड डेफिनेशन, ये आपकी असाइनमेंट है एंड यू हैव टू मेक दिस। बाकी सारी असाइनमेंट तो आप हैंड रिटन बना रहे हो, नो डाउट। ये वाली जो असाइनमेंट है इसको आप चाहे हैंड रिटन या इसको सॉफ्ट कॉपी में बना के आपको मुझे ईमेल करना है, राइट? यू ऑल नो माई ईमेल आईडी, ठीक है? आपने मुझे ईमेल करना है एंड बिकॉज आई नीड इट फॉर माई रिकॉर्ड्स। हमें नई इंस्ट्रक्शन आई हैं, उसके अकॉर्डिंग वी नीड टू कीप योर रिकॉर्ड विद अस, ठीक है ना? सो आई होप आई एम क्लियर। चलो नेक्स्ट, कमिंग टू फ्लैट बेड एंड हैंड हेल्ड। फ्लैट बेड वो होते हैं जिसमें बिल्कुल फोटोस्टेट मशीन की तरह होते हैं वो, ठीक है? एक एक आप लिड उठाते हो, उसके अंदर शीशा होता है, शीशे के ऊपर आप ग्लास के ऊपर आप अपनी डॉक्यूमेंट रखते हो, नीचे से उसको बंद करते हो, नीचे से एक लाइट पूरी उसके मूव करती है और जैसे जैसे लाइट मूव करती जाती है चीज़ आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ जाती है, ठीक है? दैट इज़ फ्लैट बेड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर कुछ कुछ बार कोड रीडर जैसे होते हैं, बस उनकी आगे का फ्रंट जो होता है थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड होता है, ठीक है? तो आप इसमें क्या करते हो, आप उसको जो भी आपने स्कैन करना है उसको आप एक प्लेन सर्फेस के ऊपर रखते हो और अपने हाथ से हैंड हेल्ड स्कैनर को उसके ऊपर धीरे धीरे मूव करते हो। जैसे जैसे आप मूव करते जाते हो, जिस पोर्शन के ऊपर वो मूव करता है वो पोर्शन आपका कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता रहता है, ठीक है? दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फ्लैट बेड एंड हैंड हेल्ड स्कैनर। आई होप सारे स्कैनर कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है? एंड उसके बाद बचता है माइक्रोफोन। वी ऑल नो व्हाट इज़ अ माइक्रोफोन, इट इज़ यूज फॉर गिविंग ऑडियो इनपुट टू योर कंप्यूटर, ठीक है? साउंड साउंड इनपुट देने के या ऑडियो इनपुट देने के लिए माइक्रोफोन यूज होते हैं। सो हमारे पास ये चारों डिवाइसेज आ गई, कीबोर्ड टेक्स्ट इनपुट के लिए, पॉइंटिंग डिवाइसेज कुछ पॉइंट करने के लिए, स्कैनर इमेज या टेक्स्ट को स्कैन करके हार्ड कॉपी से डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, और माइक्रोफोन ऑडियो इनपुट के लिए। और इसके अलावा एक इनपुट डिवाइस आई फॉरगॉट टू मेंशन ओवर हियर, दैट इज़ योर कैमरा, ठीक है? कैमरा या वेबकैम, वो जो होता है वो वीडियो इमेजेस या वीडियो मूवीज कैप्चर करने के लिए यूज होते हैं। आई होप इनपुट डिवाइसेस इज क्लियर। सो जो आपको प्रेजेंटेशन जो आपको काम दिया है कंप्लीटेड बाय 10th एंड सबमिटेड ऑन माय ईमेल। थैंक यू।